नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। कंगना रनावत, ये नाम सुनते ही आजकल वो क्वीन की रानी आंखों के सामने नहीं आती है और न ही तनु वेड्स मनु वाली तनु आती है। आजकल कंगना नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है मणिकर्णिका वाली कंगना, जो लड़ रही है हर रोज, कभी लिबरल गैंग से, कभी बॉलीवुड माफिया से, कभी ऑर्गेनाइज ट्रोल आर्मी से। और सिर्फ लड़ नहीं रही है बल्कि उनको पेल भी रही है, और ऐसा पेल रही है मानो धागा ही खोल रखा हो। फिल्म इंडस्ट्री के तथाकथित फेमिनिस्ट से लेकर के इंडस्ट्री के सीनियर सिटीजन्स तक सबकी पोल कंगना ने ऐसे खोल दी है कि लॉकडाउन में मास्कों के पीछे भी उनके चेहरे पूरे देश को नजर आने लगे हैं। और ये गैंग कंगना से सिर्फ इसलिए दुखी नहीं है कि वो आउटसाइडर होकर बॉलीवुड की क्वीन बन गई है, बल्कि वो इस बात से भी नाराज है कि इस लड़की के पास अपनी आवाज क्यों है, ये लड़की मोदी के सपोर्ट में इतना खुल के क्यों बोलती है। और जैसे ही बात मोदी की आती है तो अब पूरा देश जानता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मोदी से नफरत करने पर ही चल रही है। इसमें पत्रकारों से लेकर यूट्यूबर्स तक और स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर के फिल्मी स्टार्स तक का एक पूरा नेक्सस शामिल है। कंगना जब तक देश के मुद्दों पर नहीं बोल रही थी, पॉलिटिक्स पर कमेंट नहीं कर रही थी, तब तक वो बहुत अच्छी लगती थी बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब से उसने देश के मुद्दों पर कमेंट करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, पूरा गैंग ही उसका दुश्मन हो गया। हर वो सेल्फ मेड आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम होता है ना, उसे भाई भतीजावाद के कल्चर में रचे बसे लोगों को कुढ़न होनी तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। कंगना उन सबको आईना दिखाती है। जब ये बॉलीवुड गैंग अमेरिका में हुई एक घटना पर तो फूट फूट कर रोता है, लेकिन पालघर में साधुओं की लिंचिंग पर चुप हो जाता है, एकदम लंबी खामोशी छा जाती है। वो इन्हें आईना दिखाती है जब ये फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन करने वाले लोग रंग भेद की बातों पर टिप्पणी करते हैं। वो इन्हें आईना दिखाती है जब कश्मीर में सरपंच अजय पंडित को आतंकी मार देते हैं लेकिन इंडस्ट्री में से किसी का भी एक शब्द नहीं निकलता है। वो इन्हें आईना दिखाती है जब होली दिवाली पर पानी बचाओ पोल्यूशन कम करो पर ज्ञान पेलने वाले ज्ञान चंद अपने निजी फंक्शन में पानी और पटाखों की बर्बादी करते नजर आते हैं। वो इन्हें आईना दिखाती है जब CAA और धारा 370 के खिलाफ सारे गैंग खुलकर सामने आ जाते हैं। वो इन्हें आईना दिखाती है जब सुशांत के केस में लोग डिप्रेशन की थ्योरियां गढ़ने लगते। शुरुआत में कमजोर इंग्लिश का मजाक उड़ाए जाने के बाद कंगना ने इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए फर्राटेदार इंग्लिश भी सीख लिया, तो इनकी दुखती रग पर हाथ नहीं मानो पैर पड़ गया। वो जानते हैं कि कंगना को वो रोक नहीं सकते, वो उनके फॉर्मूला में फिट भी नहीं होती, इसलिए कभी कंगना को हाफ एजुकेटेड कह के उनकी अपनी कुंठा निकालते हैं तो कभी फैक्ट चेकरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान तलवार से कंगना के माथे पर घाव जब लगा तो उन्हें वो नहीं दिखता है, अपनी कुंठा मिटाने को शूटिंग के दौरान काट के घोड़े वाला सीन वायरल करवाते हैं। वैसे इंडस्ट्री किड्स के बीच कंगना को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, ये हर वो आदमी समझता है जो आंखों में सपने लिए बड़े कस्बे, अपने गांव या अपने छोटे शहर से इन बड़े शहरों में आता है। यही वजह है कि ये गैंग जब ट्विटर पर बॉयकॉट कंगना ट्रेंड कराने की कोशिश करता है तो जो आम जनता है वो झांसी की रानी कंगना नंबर 1 ट्रेंड करा देती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटकर भी वो अपने साथी कलाकारों को अच्छे काम के लिए उनको अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन टुकड़े टुकड़े एजेंडाबाजों के सामने वो खुलकर ये भी कहती है कि राष्ट्रवाद उसका एजेंडा है। लेकिन फिर भी उसी कंगना को अपनी ही जान की चिंता करनी पड़ती है क्योंकि वो सच बोलना चाहती है। और आजकल वैसे भी फैशन हो गया है कि जैसे कोई आदमी राष्ट्रवाद की बात करता है तो एक खास वर्ग उसको तुरंत मोदी समर्थक डिक्लेयर कर देता है, जैसे कोई देश के मुद्दों पर अपनी राय रखता है तो ये खास वर्ग उसे हाइपर नेशनलिस्ट बोलना शुरू कर देता है, जैसे ही कोई आदमी इस वर्ग की अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध में अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है तो ये सब मिलकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं, किताब नहीं छपने देंगे ये बोलने लगते हैं। लेकिन किताब छपने से पहले ही हजारों में बिक जाती है। और ये वही वर्ग है जो पिछले 6 साल से लगातार चीख चीख के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर लगातार ये बोल रहा है कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है बे। मेरे को तो लगता है कंगना बस एक नाम है। इनके निशाने पर हर वो आदमी है जो देश से प्यार करता है या देश को मजबूत करने की बात करता है। आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों से देश के बारे में एक अच्छी बात करके देखो, ये तुरंत आपको भक्त, कट्टर और ना जाने क्या क्या साबित कर देंगे। लेकिन लोड बिल्कुल मत लेना, ना कभी नहीं। इस देश से प्यार करने वालों के आगे इनकी नफरत बहुत छोटी है। आप बस अपना काम ईमानदारी से करना, देश से प्यार और देश की सेवा जम के करना जहां कहीं भी हो सके। इनकी नफरत की फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है ना, उससे अपने अंदर जलन और गुस्सा बिल्कुल मत भरने देना। मुस्कुराहट के साथ सामना करना इनका और बड़े प्यार से इनको जवाब देना। देखना, इतने में ही खुद ब खुद ये भुन जाएंगे और फिर से चिल्लाएंगे कि सब याद रखा जाएगा। मगर आप इसका भी जवाब सिर्फ एक शब्द में बड़े प्यार से कह सकते हो कि घंटा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।